ये सीट का मैंने इसका ब्लू कलर का कवर चढ़वाया ताकि ये एक तरीके से कॉल टाइप का लगे। देखा जाए तो गाड़ी में साउंड नहीं होता ना, तो मजा नहीं आता चलाने का। साउंड सुनो उसका। What's up everyone, this side is Akash Group, welcome to the another new vlog. So alright guys, so आज का vlog होने वाला है Modified के ऊपर guys. जो bike हमने modified कराई है वो है NS160 guys, और जो ली है एक महीने पहले, और इतनी जल्द after marketing काम करवाया guys, और बहुत मस्त लग रही है. और प्लीज आपको भी देखना है तो प्लीज वीडियो में बने रहिए, हम मिलते हैं आपको डायरेक्ट बाइक पे. Get money, motherfucker. Get money. Get money, motherfucker. Get money. Let's get money, motherfucker. Get money. So guys, finally अभी हम पहुंच चुके हैं NS160 के ऊपर. जो modification हो रही है वो देख सकते हो यहाँ पे guys. वो तो धीरे धीरे करके हम इसका रिव्यू बताएंगे, मार्केटिंग कैसे, आफ्टर मार्केटिंग में क्या क्या काम हो रखा है गाइज, और जो जो हो रखा है उसका प्राइस भी बताएंगे गाइज, और जो उसके ऑनर है वो भी यहीं पे ही है, बड़े भाई हमारे. तो देख सकते हो गाइज यहाँ पे. तो फाइनली गाइज बड़े भाई हमारे बताएंगे क्या बोलते हैं, क्या क्या मॉडिफिकेशन हो रखी है और क्या क्या आफ्टर मार्केटिंग काम हो रखा है. तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो, ज्यादा बात नहीं करके गाइज. सो गाइज देख सकते हो स्टार्टिंग हम करेंगे, पॉइंट हमारा ये साइलेंसर, एग्रो पॉफिक का साइलेंसर लगा हुआ है. भैया इसके बारे में कुछ डिटेल बता सकते हो, ये कितने का लगा, आफ्टर मार्केटिंग काम हुआ, इसमें क्या क्या काम हुआ, बैंड पाइप से लेके और साइलेंसर कितना खर्चा आया आपका? ऐसा है कि ये जो बैंड पाइप है ये पूरा SS का है, स्टेनलेस स्टील का, और ये वाला जो है साइलेंसर ये भी स्टेनलेस स्टील का है विद DB कलर, एग्रो पॉफिक का है ये. ठीक है, बैंड पाइप आपका आता है ये 1500 रुपये का. ठीक है, और ये साइलेंसर जो आता है ये मेरे फर्स्ट कॉपी एक्रोपॉपी का है, तो ये करीबन आता है 5000 का. अच्छा, फर्स्ट कॉपी है ये, ओरिजिनल नहीं है? नहीं, फर्स्ट कॉपी. अच्छा, और ये जो कार्बन हो रखा है ये मार्केटिंग से हुआ था, ऑटोमेटिकली आपने करवाया है? ये साइलेंसर के साथ ही ऐसे ही आता है. अच्छा, कार्बन. हाँ जी. तो ये बेसिकली देख सकते हो गाइज जो इसमें कार्बन है बहुत अच्छा लग रहा है इसमें, और इनहेंस लुक दे रहा है. और इसमें एक ऑप्शन और है, यहाँ DB कलर आता है जिससे आप इसका साउंड जो है कम ज्यादा भी कर सकते हैं. अच्छा, तो गाइज देख सकते हो इसमें DB कलर लगाओगे तो इससे आप पुलिस से ही बच सकते हो, अपने चालान काटने से साउंड सुनाई नहीं देगा. तो ये जो इसमें फीचर है बहुत मस्त फीचर है. तो देख सकते हो गाइस ये बैकरेस्ट दे रखा है, ये मुझे बहुत सही लग रहा है. तो ये आफ्टर मार्केटिंग ये भी काम करवाया गया गाइस, तो ये कितने का हुआ होगा? ये बैकरेस्ट है, ये इंटरसेप्टर का आता है. अच्छा अच्छा, 800 रुपये का है, लेकिन इसमें ये है कि आपको कोई ज़्यादा छेड़ाछाड़ी नहीं करनी है. इसमें दो नट कसने हैं, ये बिल्कुल आपके एकदम बाइक के हिसाब से फिट हो जाएगा. तो ये एक तरीके से प्लस पॉइंट ही है पिलियन को बैठने के लिए, ताकि अगर कोई एकदम से रश एक्सीलरेटिंग करते हैं तो उसमें बंदा पीछे नहीं जाएगा. तो गाइस बहुत से तो बहुत सारा बेनिफिट है, अगर इन फ्यूचर आप टूरिंग भी करोगे तो आपका पिलियन जो बैठा होगा तो आराम से बैकरेस्ट को मिल सकता है. तो बहुत चीज में अलग अलग लगा रखी इसमें, देख सकते हो ये फॉग लाइट है. आफ्टर मार्केटिंग ये भी काम करवाया है गाइस, तो देख सकते हो इसकी लाइट एक बार जला के दे सकते हो भैया. तो ये जो फॉग लैंप है ये रात में आपको बहुत बेनिफिट देंगे, जहाँ पे आपको डार्क होता है या तो बहुत दूर के लिए फोकस में ज़्यादातर आप फॉग लैंप यूज़ करते हैं, तो आपको फॉग लैंप की यूज़ नहीं करना पड़ेगा. इसका फोकस इतना है कि आपको कम से कम कुछ नहीं तो 1 किलोमीटर दूर तक तो फोकस दिखाई देता है इसका, और इतना तेज़ है कि आपको हेडलाइट का भी इतना जरूरत नहीं पड़ेगा. तो ये इसका प्राइस क्या आफ्टर मार्केटिंग? ये 800 रुपये का जोड़ा लगवाया था. अच्छा अच्छा, और ये फिटिंग करके वो क्रॉसली 1000 चार्जेस जो होता है वो ज्यादा से 250 जो भी है वो लेते हैं. अच्छा 1000 गाइस. अब आते हैं इसके विंडशील्ड में, तो देख सकते हो उसकी विंडशील्ड भी इतनी अमेजिंग लग रही है, और इतनी हाइट में जैसे आप चलाओगे इसको तो जो आगे से फोर्स आता है हवा का तो वो भी नहीं आएगा, और प्लस लुक पे तो एक नंबर की लग रही है गाइस देख सकते हो. तो भैया एक्चुअली ये कितने का करवाया है? अब विद इसमें मैटिंग भी करा रखी है, स्मोक मैट है देख सकते हो गाइस. तो ओवरऑल इसको कितना हो गया सर खर्चा? ये जो वाइज़र है ये AS200 का है, जो ज़्यादातर इस पल्सर के जितनी भी सीरीज़ आती है NS160 हो, 200 हो या AS200 हो, ये AS150 हो, ये सब में लग जाता है. अब इसका प्राइस है 400 रुपये, और इसमें मैंने स्मोक का ये रैपिंग करवा रखा है ताकि देखने में भी अच्छा लगे, नहीं तो वैसे ही ट्रांसपेरेंट आता है. हाँ, बहुत सही लग रहा है देखो. हाँ. टेपिंग के बाद भी बिल्कुल मैचिंग कर रहा है, जो आप देख सकते हो ब्लैक से ब्लैक पूरा मैचिंग कर रहा है. तो कहते हैं जेड ब्लैक नहीं करवाया ताकि इसका पीछे का भी दिखाई दे तो अच्छा नहीं लगता ज़्यादा, इसलिए फिर स्मोक करवाया, स्मोक में अच्छा भी लगता है. गाइस देख सकते हो नीचे इसके सस्पेंशन में, शॉकर में देखो यहाँ भी टेपिंग करा रखी है, मैट करा रखा है, ये भी बहुत इनहेंस लग रहा है. ये सस्पेंशन में जो है ये गोल्डन रैप करा रखा है, मैट गोल्डन रैप है,
इसका खर्चा 400 रुपये आया, और ये जिससे कि बाइक की विजिबिलिटी को बहुत एनहेंस करता है, जिससे कि बिल्कुल नया लुक आता है इसमें, जो कि अदर बाइक से इसको बहुत ज़्यादा वो बनाता है। तो गाइस देख सकते हो, ये मुझे पूरी बाइक में ये सबसे ज़्यादा हाईलाइट पॉइंट लग रहा है, बिल्कुल एक नंबर लग रही है इसमें सस्पेंशन इसके। और जो ये कलर कराया, ये भी बहुत यूनिक कलर है और एक अच्छा लग रहा है। और देख सकते हो यहाँ पे 160 का भी आउटलाइनिंग करवा रखा है। ये नॉर्मली वैसे आता है, इसको आउटलाइनिंग करा रखा है, जिससे कि जब नॉर्मली दूर से भी देखोगे तो ये जो है रेडियम स्टिकर में है, दूर से भी रिफ्लेक्ट करेगा ये। अच्छा, तो बेसिकली देख सकते हो, ये आपको एक सेफ्टी के लिए भी, अगर कोई दूर से आ रहा है रिफ्लेक्ट करके तो पता चल जाएगा आगे कोई बाइक चल रही है। और सेम चीज़ यहाँ पे भी करवा रखा है, ये जैसे नॉर्मली ये ब्लू कलर में आता है बॉडी के ग्राफिक्स के हिसाब से, लेकिन इसको मेरी रेडियम में करवा रखा है, वाइट रेडियम में। इसमें भी अगर आप दूर से देखेंगे, अगर इस पर लाइट पड़ती है तो ये भी रिफ्लेक्ट करता है। तो बेसिकली अभी आपने टायर को बताया, टायर भी इसके मेरे को दूसरे लग रखे हैं, तो आप टायर के बारे में कुछ बता सकते हो? हाँ जी, हाँ जी, इसके जो टायर है स्टॉक जो आते हैं वो आगे आता है मेरे ख्याल से 1917 आता है फ्रंट में, और इसका बैक में आता है 120/80/70 आता है। तो जो कि मैंने इसे अपग्रेड करा रखा है, 200 NS के टायर हैं, जो कि आते हैं 130/70/17 आता है रियर का, और फ्रंट का आता है आपका 180/17 का। दोनों ट्यूबलेस है, MRF के हैं ये, और इससे क्या है आपको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलती है ऑन द रोड व्हेन यू गोइंग ऑन द हाई स्पीड स्पेशली। तो गाइस देख सकते हो, पीछे का टायर भी काफ़ी वाइड लग रहा है, जो 160 में आता है वो अलग है, ये देख सकते हो ये 200 का लग रहा है, काफ़ी वाइड टायर लग रहा है, और ये भी काफ़ी इनहेंस लुक दे रहा है। और इसमें बेसिकली देख सकते हो, इसकी जो यहाँ की टैंक है ये भी आपको मैचिंग के लिए ब्लू मैट करा रखा है, तो ये आफ्टर मार्केटिंग काम करा है, ये तो मुझे अलग ही लग रहा है बिल्कुल। हाँ जी, तो ये है ना ब्लैक में आता है, जो कि नॉर्मली 160 में आता है, तो मैंने इसको 200 NS जो 2013 का मॉडल है उसके हिसाब से इस कलर को मैच करने के लिए मैंने इसे ब्लू कलर करवाया है, आगे फ्रंट फेंडर, और ये जो बैक का आता है ये बैक पोर्शन, और इसमें मैंने ये कटिंग दे रखी जैसे इनका आता है कंपनी से। तो देख सकते हो गाइस, ये भी बिल्कुल अमेजिंग लग रहा है। तो मैं वॉइस थोड़ा मिसिंग लग रहा था, मैंने यहाँ तो ब्लैक आता है, बट ये तो देखा यहाँ पे मैट हो रखा है, मुझे बहुत सही लगा, ये आफ्टर मार्केटिंग काम हो रखे गाइस, देख सकते हो एक नंबर के काम हो रखे है, और छोटे मोटे ये काम हो रखे, देख सकते हो रेस में ये लगा रखा अपने कंफर्ट जोन के लिए। ये पाम रेस्टर कहते हैं इसे, जैसे कि आप अगर नॉर्मली हाईवे पे क्रूज करते हो अबाउट 40-50 या 70-80 भी जाते हो, तो आपको ये आम रेस्ट देने के लिए है। इससे कि क्या होता है कि अगर आप एक ही स्पीड में कंटिन्यू क्रूज करना चाहते हो तो ये आपको एक तरह से हेल्प करता है। तो ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है, ये आपका 50 रुपीज़ का आता है एक पीस, तो आप दो लगवा सकते हैं दोनों हैंडल में। और इसमें साइज सीट का कुछ है क्वेश्चन? ये सीट का मैंने इसको ब्लू कलर का कवर चढ़वाया है, ताकि ये एक तरीके से कॉल टाइप का लगे देखने में। हाँ, बहुत सही लग रहा था, मैं वही सोचा सीट दूर से कोई देखे तो उसको ये ना लगे कि ये सीट है, एक तरह से कॉल का काम करता है ये। तो देख सकते हो गाइस, ये भी आइडिया बहुत अच्छा आइडिया, एकदम कॉल लग रही है, है जो कि और किसी को नहीं आया, तो मैंने एक तरीके से अपना एक क्रिएशन टाइप में करा है, तो मेरे को बहुत सही लगा ये। और ये इंडिकेटर भी आफ्टर मार्केटिंग काम कराए गए गाइस, शायद से LED है ना? ये LED है। तो बेसिकली इसका नॉर्मली प्राइस क्या होगा इसका? इसका जो स्टॉक आता है जो कंपनी से आता है वो बल्ब वाला आता है, जो कि इतना दूर तक रिफ्लेक्ट नहीं करता या दूर से दिखता नहीं है आप हाईवे फ्लैशिंग करते हो तो। लेकिन ये वाला जो KTM ड्यूक का है, जो कि 2200 रुपये का 4 पीस आता है। अच्छा, फ्रंट पे भी सेम? फ्रंट में भी सेम है, ये KTM ड्यूक के ओरिजिनल है, रेंडर कंपनी के। तो ओवरऑल आपका खर्चा कितना आ गया होगा इसमें? ओवरऑल तो पर्टिकुलर एक एक पार्ट का अगर देखा जाए तो कुछ नहीं तो 20 के आसपास, तो 20 से ऊपर ही चला गया होगा। तो गाइस देख सकते हो, 20 के आसपास होने के बाद ये तो नॉर्मली खर्चा है, देख सकते हो बाइक इतनी महंगी उठा रहे हो तो 20 नॉर्मली, तो देख सकते हो पूरा इनहेंस लुक आ रहा है, गाड़ी एक नंबर की लग रही है, पूरी मॉडिफाई करा रखा है। तो मेरे को हाईलाइट पॉइंट लग रहा है ना इसके सस्पेंशन एक नंबर का, उसमें जो मैट करा रखा बिल्कुल सही लग रहा है मेरे को। और आपको पता है, देख सकते हो, और कमेंट सेक्शन में बताना आपको गाइस बाइक कैसी लग रही है। और अब सुनाते हैं हम इसका आपको साउंड। तो भाई फील आ रही है पूरी एक्रा पाविक की, तो मेरे को तो बहुत सही लग रहा है, देख सकते हो पूरा खेतों वाला रूट, और इतना मॉडिफिकेशन आने के बाद सही लुक आ रहा है गाइस, मेरे को तो बहुत सही लग रहा है। बेसिकली गाइस देखा जाए तो गाड़ी में साउंड नहीं होता ना, तक मज़ा नहीं आता चलाने का, तो फील नहीं आती वो वाली, तो गाइस बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और सॉरी गाइस अगर थोड़ी साउंड में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी साउंड की आवाज़ साइलेंसर की आवाज़ बहुत तेज है, बेसिकली बहुत सही मजा आने वाला है। भाई साउंड सुनो उसका।
तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया, एक्सपीरियंस बहुत सही था गाइस का। तो गाइस आपने इसका साउंड तो एंजॉय किया होगा, अगर आपको इसका साउंड अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना और वीडियो एंजॉय करना। तो वीडियो खत्म करते हैं यहीं। All my friends are toxic, all ambitionless, so rude and always negative.